नवरात्रि में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए संचालित किए गए विशेष अभियान मिशन शक्ति के अंतर्गत सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों के सभी थानों में मॉडल महिला हेल्प डेस्क ऑनलाइन का लोकार्पण किया। इसी के साथ जिले के 28 थानों पर भी महिला हेल्प डेस्क का शुभारम्भ किया गया। महिला हेल्पलाइन के ऑनलाइन लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोराबाड़ थाना से ऑनलाइन जुड़ी महिला स्वयं सेवियों, महिला विद्यालय, प्रधानाचार्य शिक्षिकाओं, महिला सशक्तिकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली महिलाओं, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और एसएसपी गोरखपुर जोगेंद्र कुमार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर मिशन शक्ति अभियान को और बेहतर ढंग से प्रभावी बनाने के लिए अपील किया। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान की महिला स्वयंसेवी सहित आम जनमानस द्वारा प्रशंसा करते हुए उनके इस सराहनीय कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। महिला हेल्प डेस्क के लोकार्पण के दौरान एडीजी दावा शेरपा, डीआईजी राजेश डी मोदक, मंडला जयंत नार्लिका, जिलाधिकारी के विजयंत पांडियन, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह, खोराबाड़ थाना प्रभारी नासिर हुसैन सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला स्वयंसेवी गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और एसएसपी जोगिंदर कुमार ने कहा, आपको व्हाट्सएप कर दिया मैंने इसी नंबर। कौन लोग ना करा लोग धन्यवाद सर। सभी थानों में, सभी 1535 थानों में आपने अभी महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है सर। एक छोटी फिल्म भी इस अवसर पर तैयार की गई है। Thank you.
इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या PRB 112 अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हो रहा है हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पाठ ही बने, इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही। लेकिन अगर कोई बालिका, आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहाँ पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहाँ पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहाँ पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद नोएडा लखनऊ। आज की बालरात्रि के साथ सर आपके बिना कोई अनुरोध है या आपके आए हैं, लेकिन एक बार मिशन शक्ति के बच्चों की नवरात्रि में इस स्थान की तरह पर आपका स्वागत। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं, वह शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूँ। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस देश से आज का एक अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया और लगा कि
कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं, संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है, जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईसी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तक दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती है। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रूम स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो, एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दृष्टि किए हैं। 1-0-8 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं, या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके लिए, सबके प्रति, खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको
शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इस पूरे अभियान में पूरा प्रदेश हमारा जुड़ा है, हमारा पूरा पुलिस महकमा जुड़ा है और हमारे 14 सभी जो ADG साहबान हैं, हमारे फील्ड में सभी कमिश्नर्स और IGs और DIGs हैं, हमारे फील्ड में जो जितने भी जिलाधिकारी SSP और SP साहबान हैं, उनकी पूरी पुलिस की टीम है, जो भी हमारे महिला जो हमारे जुड़ने पर माने का जो अंतिम कर्मचारी है वो भी आज जुड़ा है। मेरा नाम उषा दास है, मैं एशियन सहयोगी संस्था इंडिया से डायरेक्टर हूँ। देखिए, ये जो मिशन शक्ति का अभियान चला है, ये नारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो नारी दबी थी, जो नहीं बोल पा रही थी, उनको भी ये अवसर मिला है कि इस सुरक्षा के अंतर्गत अपने आप को बांध सके, अपने आप को ला सके, अपने आप को स्वावलंबी बना सके, अपने आप को एक सुरक्षित महसूस कर सके। जो सारे नंबर्स दिए गए हैं महिलाओं के लिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, ताकि महिलाएं अपनी बात पुलिस तक अपनी बात को पहुंचा सके, ताकि उनको जो भी मदद की ज़रूरत है वो मिल सके। बहुत सी महिलाएं डरती थी कि हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है महिलाओं को इस मिशन शक्ति के द्वारा, ताकि महिलाएं अपनी बात को बता सकें। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुमन शुक्ला, बाल संरक्षण अधिकारी गोरखपुर। मिशन शक्ति केंद्र के तहत नारी सुरक्षा और नारी सम्मान और नारी सम्मान के तहत जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जब कभी भी कोई महिला थाने पे जाती है तो वो अपनी बातों को कहने में असहज रहती है कि थाने पे कई पुरुष स्टाफ होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं। तो महिला हेल्प डेस्क के तौर पर आज गोरखपुर जनपद में खोराबाद थाने से उसका उद्घाटन किया गया है, जिसमें गोरखपुर जनपद से सभी उच्च अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन यहाँ पे मौजूद थे। और ये बहुत ही मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रोग्राम का उद्घाटन हुआ, जिससे महिलाएं अपनी हर बात एक महिला स्टाफ से अपनी पूरी तरीके से कह सकती हैं। कभी कभी थानाओं पे एप्लीकेशन या अपनी शिकायत लिखने उन्हें नहीं आता है, तो इनका मुख्यमंत्री जी का विशेष आग्रह रहा है कि ऐसे जगहों पर एक ऐसी कोई भी स्टाफ रहे जो एप्लीकेशन भी लिख सके। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद बोलेंगे कि ऐसी योजना का शुभारंभ आज के दिन नवरात्रि में किया उन्होंने। जी इंदू सिंह, पहले तो सभी को नवरात्र की बहुत बहुत बधाइयाँ। CM जो ये अभियान शुरू कर रहे हैं, ये विशेष सराहनीय है हमारे लिए, और मैं एक अध्यापिका हूँ और मेरा तो एक ही मंत्र है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। जहाँ की मंत्र ये होता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस दिन घर की एक एक बेटी पढ़ ले जाएगी, वो समाज में अपने आप बढ़ जाएगी। और बीइंग अ टीचर, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे से कनेक्टेड जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनका मैं मेंटल फिजिकल हर तरीके से मैं उनको बढ़ने में सहयोग करूँ। थैंक यू। सबसे पहले हम प्रदेश के सचिव महाराज जी को, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन पूरे प्रदेश में उन्होंने किया है, और इससे हर क्षेत्र में जहाँ भी कहीं कोई अपराधी अपराध भी करना चाहेगा, चाहे महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार करना चाहेगा, उस पर अंकुश लगेगा, उनको तुरंत न्याय मिलेगा। आप देखें जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस, जब से SSP मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी हुए हैं, लगातार अपराधियों का अंकुश लगाते जा रही है, और पुलिस बल को इतना मजबूत किया है योगी जी महाराज ने कि हर चौराहे पर आप देखेंगे, हर नुक्कड़ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान आपको सक्रिय मिलेगा। तमाम थाने नए खुले हैं, तमाम चौकियां खुली हैं, यहाँ तक कि चौकियों पर भी 4-व्हीलर गाड़ी उपलब्ध कराया गया है, ताकि अपराध कहीं से कोई कर न पावे, अगर कर भी दिया तो बच न पावे। ऐसे SSP मुख्यमंत्री जी को आप सभी के माध्यम से हम ढेर सारी शुभकामना देना चाहेंगे कि मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत आज अपने जनपद गोरखपुर में भी CM साहब ने आज पूरे उत्तर प्रदेश में जो 1535 थानों पर हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है, उसमें गोरखपुर के 28 थाने शामिल हैं। मिशन शक्ति के तहत जो मुख्य कार्यक्रम है वो गोरखपुर हमारे यहाँ खोरापार थाने पे किया गया है, उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि और यहाँ के आसपास की महिलाएं और आसपास के जनप्रतिनिधि सब शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों के यहाँ शेरनी दस्ता भी बना हुआ है, जो मिशन शक्ति को और शक्ति प्रदान कर रहा है। साथ ही इसी अभियान में हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड भी बहुत सारी कार्रवाइयां कर रहा है, जिसमें 116 में 100 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और 191 में 127 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। पीड़िता और जो भी शिकायत करता है महिला, जो किसी भी थाने पर जाएगी, उनके लिए हेल्प डेस्क, पानी पीने की सुविधा, एक रूम जिसमें CCTV कैमरा लगा हो और
ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ जाने के बाद उनको सुरक्षा का और सम्मान का भाव मिले और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उनको एक शिकायत पर्ची भी प्रदान की जाएगी और महिला की जो भी जेन्युइन समस्या होगी उसको यथासंभव शीघ्रता शीघ्र निस्तारण इस जनपद गोरखपुर की पुलिस द्वारा किया जाएगा। सर, मिशन शक्ति को लेकर आम जनमानस से कुछ अपील करना चाहेंगे? पब्लिक जो हम लोगों के समाज और नागरिक लोग हैं उनसे अपील जरूर करना चाहेंगे कि जहाँ जो पॉसिबल हो सके मिशन शक्ति के कार्यक्रम के साथ जुड़ें और अपने यहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करें। यहाँ जागरूकता के साथ ओबी वैन भी रवाना की गई थी, वैन्स रवाना की गई थी। जागरूक करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को कि महिला शक्ति और महिला के जो हमारे कार्यक्रम्स हैं, जो कानून बने हुए हैं उनके संबंध में, और पुलिस आप लोगों के साथ है, हमेशा आपके साथ रहेगी, आप नागरिकों के साथ है और नागरिकों के लिए ही बनी हुई है। तो इस संबंध में जागरूकता फैलाने का काम ओरिजिनली पब्लिक को ही करना होगा और यह पब्लिक कर भी रही है। थैंक यू।